बिलासपुर जिला की घुमारवीं नगर परिषद में चुने हुए पार्षदों की कथनी और कहनी में बहुत अंतर है। ये बात नगर नथान समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। आइए देखते हैं बिलासपुर से विनोद चड्डा की ये रिपोर्ट। पार्किंग की बहुत ज्यादा समस्या है, जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रोड के ऊपर लगी होती हैं। टैक्सी वालों की अपनी समस्या है। इस पार्किंग समस्या के बारे में आज की बैठक रखी गई थी, जिसमें MC, PWD, राजस्व, पुलिस, टैक्सी यूनियन के लोग, सभी लोग उपस्थित थे। इसमें सबसे पहले यहाँ टैक्सी स्टैंड के बारे में जो उनकी समस्या थी उसके बारे में विचार विमर्श किया गया, और उसमें इनकी तरफ से था कि इनको बस स्टैंड के पास जगह दी जाए और या फिर ओल्ड ब्रिज है वहाँ पे वरन का एडजस्टमेंट की जाए। वो टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट है और इनके लिए परमानेंट एडजस्टमेंट के लिए तहसीलदार और MC और टैक्सी यूनियन के साथ एक कमेटी बनाई गई, जो लैंड आइडेंटिफाई करें जहाँ पे इनका परमानेंट टैक्सी स्टैंड के बारे में विचार किया जा सके। इसके साथ जो घुमारवीं बाज़ार में पार्किंग की समस्या है उसके बारे में भी MC को और तहसीलदार साहब को भी गवर्नमेंट लैंड या प्राइवेट लैंड जहाँ जहाँ लोग पार्किंग के लिए जगह दे सकते हैं या अलाउ करवा सकते हैं तो उसकी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। कुछ जगह आइडेंटिफाई किए जहाँ प्राइवेट पार्किंग में 200 पर गाड़ियाँ आ सकती हैं, प्राइवेट लोगों की लैंड या कुछ सरकारी भी, और वैसे सरकार की तरफ से जो पार्किंग बन रही है अभी वो बन रही है, ठीक है, प्रपोजल्स हैं, लेकिन जब तक वो पार्किंग कंप्लीट नहीं होती है तो दिन प्रतिदिन गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। उस हिसाब से जो प्राइवेट ऑनर्स हैं जिनकी लैंड है और वो बेकार पड़ी हुई है, अगर वो अपनी लैंड के ऊपर पार्किंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो संभावना भी तलाश करने के लिए कहा गया, ताकि ये पार्किंग की समस्या से जो है वो मारवी साहब को निजात दिलाई जाए।